जब uh, uh, बहुत सारी कंपनीज़ ने ए एच ए बी एच ए पी एच लॉन्च किए मैंने uh, ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे कभी स्किन केयर लॉन्च करना है इससे मैंने क्या देखा कि मेरी स्किन पे ग्लो आने लगा पुराने जो एक्ने uh, मार्क्स थे वो फेड होने लगे सो एम गोना टेल यू द स्पेस आई सॉ इन स्किन केयर आई विल नेवर एवर डू समथिंग इन माई लाइफ विच हैज़ ऑलरेडी बिन डन उससे मेरी लाइफ वेस्ट होती है मेरा टाइम वेस्ट होता है आई जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट सो जब मैंने देखा कि मेरा स्किन ग्लो कर रही है सो वट आई डिड वॉस आई मैंने अपने प्रोडक्ट्स मॉम को दिए तो मॉम ने कहा कि मुझे तो बहुत जल रहा है मैं AHA, BHA, ए एच ए बी एच ए पी एच सी जलते हैं नाओ वॉट आई गॉट टू नो वॉज़ फिर मैंने सेम प्रोडक्ट्स अपनी सिस्टर को दिए इन पलवी ने कहा मुझे प्रोडक्ट्स जल रहे हैं नाउ दीज प्रोडक्ट्स वॉज शोइंग ऑसम रिजल्ट ऑन माई फेस दे हैड सेलिस एसिड दे हैड रेटेनॉल बट वेन माई मोम यूजेड ममा ने कहा पलक मैंने तेरे प्रोडक्ट्स जरूर यूज़ किए हैं बट मैं आजकल थोड़ी डार्क दिख रही हूँ वॉट आई गॉट टू नो इज़ दैट माई मोम हैज़ अ ब्रोकन स्किन बैरियर बिकॉज ऑफ हार्मोनल ईश्यूज एंड वॉट आई वॉज डूइंग वॉज बाई इंक्रीजिंग द सेल टर्न ओवर ऑफ माई फेस आई वॉज एक्चुअली डिस्ट्रप्टिंग द स्किन बैरियर ऑफ माई स्किन तब मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मैं ढूँढने लगी जो कि एक्चुअली ए एच ए बी एच ए जैसा काम करते हैं स्किन टर्न ओवर को बढ़ाते हैं विदाउट डिस्ट्रपटिंग योर स्किन बैरियर इट मीन्स ग्लाइकॉलिक एसिड ऐसा नहीं है ये काम नहीं करते हैं सो आई गेट बैक टू दैट सो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिले मार्केट uh, के अंदर फिर ये सबसे पहला चैलेंज था नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू न्यूट्रासुटिकल्स ये न्यूट्रासुटिकल्स से कैसे ऑपोजिट है न्यूट्रासुटिकल्स में मैं कहती हूँ हर्ब्स पे मत जाओ उनके एक्सट्रैक्ट्स पे जाओ अश्वगंधा रूट मत खाओ अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट पे जाओ नाउ दिस और यू you नो know, आई यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव टू यूज़ ऑन योर स्किन समथिंग विच स्टिल इंक्रीजेज योर सेल टर्न ओवर विदाउट किलिंग योर स्किन बैरियर स्किन बैरियर क्या होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपकी स्किन की प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना क्योंकि आने वाले टाइम में अभी तक जो पिगमेंटेशन के चांसेस थे वो ज़्यादा 35, 45 के बाद शुरू होते थे अब आने वाले टाइम में जो इन कंपनीज़ तो ने किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग ए एच ए बी एच ए पी एच इन, इन, इन सबसे क्या होने वाला है कि पिगमेंटेशन के चांसेस पच्चीस बीस साल के बच्चों को होने वाले हैं सो मुझे सो मैंने ये स्पेस देखी एंड फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स रिसर्च करने शुरू किए मुझे ऐसा पता चला कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं यू नो फॉर एग्जांपल स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं स्किन वाइटनिंग आपकी अल्फ़ा आबिटन से भी होती है बट देन देर इज अक्स्ट्रैक्ट कॉल लिक्वराइज एक्स्ट्रैक्ट उससे भी होती है सो वी शुड ऑलवेज गो टू व जेंटलर जेंटल uh, चीज़ों पे जाना चाहिए क्योंकि उससे आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और किन चीज़ों से आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ होता है सो so, होता क्या है लेट्स से आपने स्किन वाइटनिंग के लिए अल्फा आबुटिन यूज़ किया उससे आपकी स्किन वाइट जरूर दिखेगी बट जब स्किन बैरियर ख़त्म होने लगता है तो आपको पिगमेंटेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज सन डैमेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड आपका हाइड्रेशन आपका लॉस ऑफ मॉइस्चर जल्दी होता है तो आप गोरे दिखोगे बट बूढ़े दिखोगे सो so यहीं पे ही मैंने ये स्पेस देखी एंड देन जब मैंने स्किन केयर के बारे में आज से डेढ़ पौने दो साल पहले खुद पढ़ना शुरू किया तो ये पहला चैलेंज था सो वाई एम मेकिंग दिस वीडियो इज गाइज इफ यू आर यूजिंग एल्फा आबुटेन ए एच ए बी एच ए रेटेनऑयल एंड योर स्किन बैरियर इज डिसरप्टेड आपको पिगमेंटेशन के ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं पहले ये चीज़ें सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते थे अब कॉमन इंसान के हाथ में लग गए हैं कि जितने भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस देख रहे हो जहाँ पे स्किन दिखाते हैं लोग इन सब को आने वाले टाइम में पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ने वाले हैं आई एम टेलिंग गाइस सो या सो स्किन बैरियर की बात करे थे स्किन बैरियर हमारा एक ही काम है कि हम लोग मॉर्निंग के अंदर हमें अपनी स्किन को एजिंग से बचाना है कैसे बचाना है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स बाय प्रोटेक्टिंग द मॉइस्चर लॉस पूरी पूरा दिन मॉइस्चर लॉस होता है सो यू हैव टू पुट अ वेरी हाइड्रेटिंग सम लाइक क्रीम विच इज़ वेरी फुल ऑफ हिमाक्टेंस एंड एमोलियंस एंड रात को आपका एक ही काम है एंड सनस्क्रीन दैट इज योर मॉर्निंग रूटीन मॉर्निंग में हमारा एक ही काम है सन डैमेज से बचाना है एंड नाउ देर इज़ अ वेरी ऑसम इन्ग्रीडियंट हाँ आई फाउंड इट इट्स कॉल्ड रेडिक वो क्या करता है इट इज़ इवन हैव वाई फाई प्रोटेक्शन बिकॉज वाई फाई इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज विच इज कॉजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लीडिंग टू स्किन डैमेज सो येस वी हैव पुट दैट पर्टिकुलर इन्ग्रीडियंट इन आवर सनस्क्रीन वाई फाई प्रोटेक्शन और दिस वॉज दिस वॉज वेरी न्यू एग्जैक्टली तो मॉर्निंग के टाइम पर आपको कुछ नहीं करना है अपनी फेस हाइड्रेशन और एंटी ऑक्सीडेंट्स देने हैं एंड सनस्क्रीन देना है इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है कोई नाइसमाइड नहीं कोई वाइटामिन सी नहीं कोई फ्यूरलिक एसिड नहीं कुछ नहीं करना है ये दिन के टाइम ठीक है हाँ फ्यूरलिक एसिड इज एन एंटी ऑक्सीडेंट दैट यू कैन एड सो रात के टाइम आपको क्या करना है रात के टाइम आपको आपके स्किन बैरियर पर काम करना है स्किन बैरियर मीन्स यू हैव टू यूज सेरमाइड्स यू एंड अगर एंटी एजिंग एड करना है एड सो वी हैव एक्चुअली पेप्टाइड्स इन आवर डे क्रीम एंड इन एनआवर नाइट क्रीम तो रात को जो हमारी क्रीम लॉन्च हो रही है उसका नंबर है उसका नाम है एप, एपी रिपेयर एपी एपी मीन एपीडम लेयर रिपेयर एपी रिपेयर सो so, मैं एग्जैक्टली exactly वो चीज उल्टा करने जा रही हूँ जो स्किन केयर कर रहे हैं प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना इट हैज लॉर्ड ऑफ नॉलेज उल्टा क्या करने जा रही हूँ सारी कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट सेल टर्न ओवर वट आई एम टॉकिंग इज टू डिक्रीज द सेल टर्न ओवर यू नो उसके बाद मैं क्या करूँगी जो मेरी पहली रेंज आ रही है पहली रेंज के अंदर मैंने फेस वॉश के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं की है फेस वॉश के अंदर मैंने सिर्फ ये इनोवेशन की है कि इट इज़ फ्रेगनेंस फ्री आ, मेरे फेस वॉश की अच्छी स्मेल नहीं आने वाली है उसके अंदर लाइक वी हैव पुट लैवेंडर ऑयल लेवेंडर इज़ लाइक देसी स्मेल देता है सो एनी वेज वहाँ उसमें मैंने बहुत ज़्यादा लट से इनोवेशन नहीं करी है बट जो मैंने सबसे सब ज़्यादा इनोवेशन करी है वो है मेरा एंटी ऑक्सीडेंट सीरम जो कि मॉर्निंग में आएगा उसके बाद आपकी आ, क्रीम आएगी उसम क्रीम जो हाइड्रेटिंग क्रीम है आ, वो मैंने यूज़ करी है उसके बाद आपकी सनस्क्रीन आई है रात को आई एम गिविंग यू फेयरनेस क्रीम फेयरनेस क्रीम का मतलब आपका स्किन टोन इवन होगा बट उसके अंदर गाइज ए एच ए और बी एच एज नहीं है यू नो देर आर नो ए एच एज बी एच एस दिस इज जस्ट स्किन लाइटनिंग एक्चुअली स्किन लाइटनिंग मीन्स उसके अंदर टायरोसिनेस इनहिबिटर है ताकि आपको मॉर्निंग में पिगमेंटेशन के चांसेस ना और जो चीज मैं कर रही हूँ रात को द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम रिपेयरिंग योर स्किन बैरियर ठीक है जब हम दो तीन महीने तक जो माइड्यूटी का सीरीज वन स्किन केयर आ रहा है वो यूज़ कर लेंगे उसके बाद मैं क्या लॉन्च करूंगी आई एम यू नो लॉन्च टारगेटेड पिगमेंट ट्रीटमेंट्स यू नो लेट्स आपके यहाँ पर एक बड़ा स्पॉट है तो उसको हम सिर्फ टारगेट करेंगे वहाँ पर वहाँ पर टारगेट करेंगे एंड मेरा यही रिक्वेस्ट होगा जिस दिन हमने टारगेट किया उसके दो दिन तक धूप में मच जाना इवन ो ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना एंड लेकिन आई विल राइट इट ऑन द प्रोडक्ट यूज ओनली वंस और टवाइस अ वीक एक्चुअली पीपल आर यूजिंग रेटनल एवरी वीक वॉट यू डू नॉट नो इज़ लेट्स से इंस्टाग्राम के ऊपर जो ज़्यादा डॉक्टर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो ज़्यादा ब्यूटी के लोग हैं वो लोग जर्मनी दुबई सॉरी uh, जर्मनी और वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हुए हैं वहां पे इतना यू वी रेडिएशंस का प्रॉब्लम ही नहीं है सो दे कैन यूज रेटेनॉल्स एवरी सिंगल डे बिकॉज एवरी थिंग इज नॉ मिक्सड यू नो वी यू आर फॉलोइंग इन्फ्लुएंस यू आर फॉलोइंग डॉक्टर्स नाउ लेट्स इमेजिन द बेस्ट फूड फॉर योर स्किन इज एक्चुअली बोन ब्रॉथ जानवर की हड्डियों का जूस यू नो दैट्स बोन ब्रॉथ नाउ बोन ब्रॉथ इज़ वेरी हाई इन जेलेटिन एंड कॉलोजिन नाउ दिस पर्सन इज डूइंग जेलेटिन एंड कॉलेजिन एवरी सिंगल डे थ्रू थ्रू ब्रोन बोन ब्रॉथ एंड देन दे आर यूजिंग रिटर्नऑल्स एवरी डे ना यू जस्ट हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सो आई एम मेकिंग दिस प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड कि मेरी माँ को क्या चाहिए मेरी मॉम इज ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट वेजिटेरियन क्या मेरी मोम बोनब्रॉथ लेती हैं नहीं सो गाइज दिस कीपिंग माई मोम इन माइंड एक्चुअली आई हैव डेवलप दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज दैट वॉज माई बिगेस्ट चैलेंज कि जब भी मैं मोमा की स्किन ठीक करने निकलती हूँ वाई इट एग्रीवेट्स एवरी थिंग यू नो सो दिस इज द होल थिंकिंग बिहाइंड स्किन केयर वी आर वेरी क्लोज टू द लॉन्च मे बी थ्री वीक्स आई लॉन्च फर्स्ट प्रोडक्ट दैट एक्चुअली अ फेस वॉश वी आर नाउ सीकिंग एफ डी ए अप्रूवल्स प्रोडक्ट्स रेडी हो गए हैं पैकेजिंग रेडी हो गई है हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं एफ डी अप्रूवल्स का द मोमेंट वी गेट एफ डी ए अप्रूवल्स देन अ लीड टाइम ऑफ ट्वेंटी डेज एंड द प्रोडक्ट विल बी देयर सो हाई सिल्की गुड मॉर्निंग सो गाइड माई रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि जो बच्चियाँ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ईयर्स की हैं या फिर जो लेडीज़ हैं वो लोग इतना ज़्यादा ए एच ए बी एच ए पी एच एज नहीं यूज कर रहे हैं लाइक आई सेड इट्स

स्किन वाइटनिंग के लिए कौन सा ए यूज होता है कॉजिक एसिड इज यूज एंड देन अल्फा आबुटिन इज यूज यूज देम फॉर योर अंडर आर्म्स यूज इट फॉर योर अंडर आर्म्स यहाँ पे आप कोई भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो कुछ नहीं होगा क्योंकि सन रेज यहाँ पर टच नहीं करनी है बट वेन इट कम्स टू योर फेस इट्स होल डिफरेंट स्टोरी आइस के ऊपर मोटे से फैट नाउ दिस इज दिस इज Very different topic. This topic, so guys, if you want you can call 86990-86991, get your free consultation. But this particular topic was about skincare. Okay, made the day today. Hey Swati, how are you? थैंक यू पलक फॉर ग्रेट नॉलेज सुरजीत यस मेरे को बस यही टेंशन रहती है कि यार जब तक आपका मेरा प्रोडक्ट नहीं आता तब तक अपने स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखो स्किन बैरियर आपको बूढ़ा नहीं होने देता क्योंकि वो हाइड्रेशन को अंदर पैक करके रखता है वो यू वी रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है आ, और क्या करता है लाइक like, इतनी बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज पेनीट्रेट नहीं हो सकते हैं आपके स्किन के लिए यू you नो know? लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि स्किन हाइजीन पे ध्यान दो यू you नो know? if a person has very intact skin barrier kabhi pimples Hi, do you have any cream for stretch marks uh, i i don't know i think stretch marks should be done internally and also guys one more thing i am launching marine collagen very soon in liposomal form and i am the first company in the world in the world बहुत टाइम लगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग व्हिच विच इज़ ऑलरेडी बीन डन लाइक आई सेड इट्स वेस्ट ऑफ माई टाइम एनर्जीज एंड माई होल एग्जिस्टेंस के यार जो काम ऑलरेडी किसी ने कर रखा है वो काम क्यों करना है एटलीस्ट मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद तो करें सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड लाइक पहले कॉलेजन आए फिर कॉलेजन पेप्टाइड्स आया नाउ वी आर लॉन्चिंग collagen liposomal collagen peptides can you imagine so can you imagine the absorbability we are launching it very soon <laughs>